हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3, जो कि आपके कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइन एंड ट्रेंगल का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, उसका एक्सरसाइज 7.3 हम लोग देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरह के प्रॉब्लम में क्या दिया रहता है कि आपका दो साइड गिवन रहता है और एक एंगल भी गिवन रहता है। ध्यान से देखो, पिछले पार्ट में हमने देखा था, पार्ट नंबर 2 में, एक्सरसाइज 7.2 में, कि तीनों के तीनों आपके साइड दिए हुए थे, राइट। तीनों के तीनों साइड दिए हुए थे, वहां पे एंगल की कोई बातचीत नहीं थी, राइट। ठीक, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो जरूर जाके देखना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल वीडियो है, राइट। तो यहाँ पे देखो आपकी ये सभी के सभी क्या है, एक साइड दिया है, एक साइड यहाँ है और एक साइड यहाँ है, और एक एंगल भी दिया है। यानी कि दो साइड और एक एंगल जब दिया रहे तो कैसे एक ट्रेंगल कंस्ट्रक्ट होता है, कैसे एक ट्रेंगल बनता है, वो चीज़ हमें देखना है। यहाँ भी देखो, एक साइड यहाँ दिया हुआ है और एक साइड यहाँ दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है, राइट। तो फटाफट से हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको बनाते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका लिखा हुआ है कि BC 5 सेंटीमीटर। तो फटाफट से हम लोग को क्या करना है, BC 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेना है। आपके पास में स्केल होगा, राइट। तो स्केल से आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर फटाफट ड्रॉ कर लेना है। तो मैं यहाँ पे स्केल रखता हूँ, ठीक है, और मैं ड्रॉ कर लेता हूँ 5 सेंटीमीटर, है ना। ठीक है, यहाँ से मैंने रखा। आप बिल्कुल जैसे 0 से 5 तक जाते हैं ना हम लोग स्केल में, वैसे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो ऐसे रखना है और ये 1 2, मैं अपने स्केल पे कर रहा हूँ क्योंकि मेरा स्केल बहुत ही बड़ा है, ठीक है। मैं बस एक बार देख ले रहा हूँ कि क्या ये यस एग्जैक्ट सीधा है ना। यस, यहाँ से मुझे ड्रॉ करना है। ओके, दिस इज 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। ओके यस, ये 5 सेंटीमीटर मैंने ड्रॉ कर लिया। बी सी नाम दे देता हूँ यहाँ, बी, और ये रहा सी। कितना जी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल बी जो है, अब के देखो एंगल बी यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, पता है आपको यहाँ पे कितना बन रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। एंगल बी पे 60 डिग्री बन रहा है, तो 60 डिग्री हम लोग को क्या करना है, प्रोटेक्टर लेना है, ठीक है। ये चांदा, चांदा जो आता है ना वो लेना है, ठीक है। अब इस चांदे को, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को यहाँ पे इसके बी पे रखना है ऐसे, ठीक है। और इसको ना, ये सीधे वाले लाइन को ना इससे मिला देना है, ठीक है। तो देखो कुछ ऐसे, यहाँ पे ध्यान से देखो, कुछ मिला रहा हूँ मैं। ये देखो मैंने क्या किया, ये कुछ यूँ मैंने ऐसे मिला लिया, ठीक है। ये देखो, इस वाले बीच का मैंने ये पॉइंट यहाँ मिला लिया, ठीक है। और ये जो लाइन है इसकी, आपके आपके चांदे में भी, आपके चांदा में भी ना ऐसे एक लाइन बना होगा, ऐसे सीधा एक लाइन रहता है ना, तो वैसे ही हम लोग उससे उसको मिला देते हैं, ठीक है। अब देखो कितना डिग्री बोल रहा था, 60 डिग्री। तो देखो ये ऐसे, देखो ये 0 10 20 30 40 50 60, ये देखो 60 डिग्री दिख रहा है ना यहाँ पे। और ये देखो 60 के सामने सामने, ये देखो 60 के सामने सामने 120 भी दिख रहा है। तो दो तरह का एंगल बनता है, इधर से हम लोग इधर जा रहे हैं तो ये कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज, और देखो उधर से हम लोग उधर ऐसे आते हैं तो इसको कहते हैं क्या, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हमें ये वाला एंगल लेना है, कौन सा वाला, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो देखो ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये अब ऐसे ही रखना है एकदम सीधा सीधा, ये 60 डिग्री है और ये 60 के ठीक सामने सामने, कैसे 60 के ठीक सामने सामने आपको यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे मार्क कर लेना है, ठीक है। ये पॉइंट मैंने मार्क कर लिया, ठीक है, पॉइंट लगा लिया। उसके बाद फिर क्या करना है, आपको ये स्केल उठाना है और इस पॉइंट को क्या करना है, ऐसे रखते हुए, है ना, और बी पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट, बी, और ये इस पॉइंट को कुछ ऐसे मिला लेना है, मिल गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या मिल गया, यहाँ पे मेरा मिल गया कितना, 60 डिग्री। मैंने एंगल बनाया है ना, क्योंकि इसने कहा है कि 60 डिग्री। ओके, अब कह रहा है कि ए बी जो होना चाहिए, है ना। अब क्या कह रहा है कि ए बी, देखो ये बी भी शामिल है इसमें, तो यानी कि बी से ए तो कहीं, देखो बी और सी है, इसका मतलब ए कहीं ना कहीं इधर ही होगा, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होगा, क्लियर है। तो कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर पे ए बी, देखो
ए से बी तक का डिस्टेंस देखो, हमें नहीं पता कि कहाँ पे है, लेकिन मुझे 3 सेंटीमीटर बोल रहा है कि वो बताओ आप, है ना। तो हम लोग एक काम करेंगे, 3 सेंटीमीटर मेजर करेंगे, तो आपके भी उसमें होगा ना 3 सेंटीमीटर, राइट। तो आप एक काम करोगे, क्या काम करोगे, ये ऐसा वाला आपके पास कंपास होगा ऐसा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 0 से लेके 3 तक जाना, ऐसे 0 पे रखना इस वाले नूक को, और धीरे धीरे बढ़ाते हुए 3 तक लेके जाना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना, ऐसे यूं इस पे रख करके, और आपको ऐसे कट लगा लेना है, ठीक है, मार्क कर लेना है, ठीक है, क्लियर। तो आपको क्या करना है, मार्क करके, मैं यहाँ थोड़ा स्केल से मेजर कर लेता हूँ, ओके, ये रहा, ऐसे 0 रख लिया, और ये 1 2 3 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा लिया, यहाँ पे आ रहा था, ठीक है। और इसको अब इससे मिला दूंगा मैं, ठीक है, इसको किससे, इसी से मिला दूंगा, ठीक है, ओके। अब देखो ये इसको मैंने किससे मिला दिया, सी से मिला दिया, ठीक है। तो ये हो गया ए, देखो ये अब ए पॉइंट मिला है मुझे, ये तो ये किस लिए था, ये एंगल के लिए, ठीक है। अब देखो जब तक मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलता है, ठीक है, जब तक मुझे ये ए पॉइंट कैसे मिला मुझे, ये बी से सी पे वो कंपास को मैं 3 सेंटीमीटर मेजर किया और ऐसे पकड़ के ऐसे खींच लिया मैंने, क्लियर है। तो ऐसे जब खींचा होगा तो इस लाइन पे एक कटिंग पॉइंट मिल गया, और कटिंग पॉइंट मिलेगा तभी आपको समझना है कि वही ए पॉइंट है, क्योंकि बी सी तो है ही, ए पॉइंट का कमी था, और ए पॉइंट इसी पे कहीं ना कहीं पे था, राइट। तो जैसे ही ये कटिंग पॉइंट 3 सेंटीमीटर मैंने ऐसे कंपास से मेजर करके मारा, है ना, तो मुझे कटिंग पॉइंट मिल गया, वो पॉइंट मिल गया ए, और फिर ए से बी को ज्वाइन कर दिया, ए को सी से ज्वाइन कर दिया, फिर मुझे ये ट्रायंगल मिल गया, क्लियर है। अब आपको इसको क्या करना है, मिटा देना है, हो गया कंस्ट्रक्शन, हो गया, क्लियर है। तो ये था आपका कि जब दो साइड दिया है और एक एंगल दिया है तो आपको कुछ ऐसे बना लेना है, क्लियर है। इसको मिटा भी सकते हैं और आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, क्लियर है। अब बात आती है कि इसका पूरा एक एक पॉइंट को लिखना पड़ता है ना, कि सबसे पहले आपने क्या किया। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन, ऐसे लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन, क्या बी सी को पहले हमने लिखा था, बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले बी सी हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि 5 सेंटीमीटर का था, लिख लिया मैंने। उसके बाद फिर क्या किया मैंने, मैंने एंगल बनाया था, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, है ना, कि ड्रॉ एन एंगल 60 डिग्री ऑन पॉइंट, किस पॉइंट पे, ऑन पॉइंट बी, है ना, पॉइंट बी पे मैंने 60 डिग्री का एक एंगल बनाया, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर क्या लिखेंगे, जैसे ही 60 डिग्री बनाया, ठीक है, तो बन गया 60 डिग्री का एंगल। उसके बाद हमने क्या किया कि 3 सेंटीमीटर को हमने क्या किया था, मार्क किया था, ठीक है। तो ये ऐसा लिखेंगे हम लोग कि ड्रॉ, यहाँ पे लिखेंगे मार्क, MARK, ठीक है, मार्क 3 सेंटीमीटर ऑन लाइन, ड्रॉ 3 सेंटीमीटर ऑन लाइन, ठीक है, ये जो लाइन है, ठीक है, इसके हमने, इस पे हमने क्या किया, 3 सेंटीमीटर मैंने क्या किया, मार्क किया, है ना। तो मार्क 3 सेंटीमीटर ऑन लाइन, ठीक है, वी गेट हम लोग पाते हैं, क्या पाते हैं, वी गेट अ पॉइंट विच इज ए, हम लोग एक पॉइंट पाते हैं जो कौन है, ए पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद तीसरा के बाद चौथा पॉइंट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्लियर है, ओके, ए पॉइंट मुझे मिल गया। उसके बाद क्या किया था मैं, जैसे ही ए पॉइंट मिला था तो ए से सी को ज्वाइन किया था, तो यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन ए पॉइंट ए टू, ऐसे लिखेंगे ज्वाइन पॉइंट ए टू सी, ए से सी को ज्वाइन किया। फिर पांचवा नंबर लिखेंगे ज्वाइन पॉइंट, फिर ए से बी को किया था, सॉरी ए से बी तो पहले से ज्वाइन था, इसको इससे ज्वाइन किया था। उसके बाद फिर क्या, फिर हम लोग को मिल गया था, फिर पांचवें नंबर पे वी गॉट अ ट्रायंगल ए बी सी, है ना, ए बी सी, अब हो गया,
यहीं पे ये खत्म हो गया, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन का, ये कंस्ट्रक्शन मैंने किया और जैसे जैसे मैं करता गया वैसे वैसे इसका पार्ट मैंने लिख दिया कि कैसे कैसे मैंने क्या क्या किया, क्लियर है। और देखो ये बी और सी, और यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा ये कितना सेंटीमीटर था, ए सी कितना सेंटीमीटर था जी, हाँ ए सी आपको मेजरमेंट करके बताना पड़ेगा। ये बी सी कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, एंगल बी है 60 सेंटीमीटर। तो देखो ए बी और ए सी आपको नहीं पता है, है ना, जैसे ए बी तो पता है 3 सेंटीमीटर, देखो ए बी 3 सेंटीमीटर, ए बी 3 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो ये कितना होगा, ये मेजरमेंट कर लेते हैं कितना होना चाहिए, क्लियर है। चलो फटाफट से देख लेते हैं, 1 2 3 4 4 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, ओके आप लोग भी देख लेना, ठीक है 4 सेंटीमीटर, ओके ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट क्या हो गया, मेरा क्या हो गया, ट्रायंगल बन गया, ठीक है। उसी तरह से अब प्रॉब्लम नंबर सेकंड भी, प्रॉब्लम नंबर सेकंड में भी दो साइड दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, तो बस इसमें भी मैं इसको रफली फटाफट बता देता हूँ। बी सी 8 सेंटीमीटर, तो ये रहा बी सी 8 सेंटीमीटर, हो गया 8 सेंटीमीटर। अब कौन है, बी पे एंगल दे, तो देखो बी पे एंगल 70 डिग्री का बनाना है, 70 डिग्री का, क्लियर है। तो फिर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर से हम लोग को वही प्रोटेक्टर, किसको, चांद को, ये चांद को, ठीक है। तो इस चांद को देखो, इस वाले पॉइंट को और ये सीधा वाले लाइन को ऐसे मिला देना है और इस वाले पॉइंट पे रखना है, ये बी पॉइंट पे एकदम यहाँ पे, क्लियर है। तो देखो मैं यहाँ पे मिला रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे मैंने इसको कुछ ऐसे मिला लिया, ठीक है। ये लाइन मान लो ऐसे सीधा है, ये ऐसे मैंने मिला लिया, ठीक है। एक मिनट ना, मैं स्ट्रेट लाइन ही खींच लेता हूँ, ठीक है। मैंने इस पॉइंट पे ऐसे रख के, देखो कुछ यूं ऐसे रख करके मिला लिया। तो देखो ये 0, 10, 20, 30, 40, 60, 50, 60, 70, ये देखो 70 के ठीक सामने 110 है। वैसे वैसे जाते जाते आपको यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है, ठीक है, पेंसिल से, ठीक है। और ये जितना भी बनाओगे आप, ये सब पेंसिल से बनाओगे, पेंसिल पेंसिल पेंसिल, ताकि गड़बड़ होना तो आप क्या कर सको, उसको वो कर सको, ठीक है। अब क्या करोगे, अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दो ऐसे बी से, ठीक है। अब ये बी से इसको कुछ ऐसे मिला दो, ठीक है, ये मिल गया, क्लियर है, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका, आपका ये एंगल कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया। अब देखो ए बी 4 सेंटीमीटर, ए बी तो यानी कि बी तो यहीं पे है, अब बी से ए पे हम लोग 4 सेंटीमीटर ऐसे खींच देंगे, क्लियर है। तो कंपास से हम लोग मेजरमेंट लेंगे 4 सेंटीमीटर का, तो आपको जीरो पे इसको, नुक वाले पॉइंट को जीरो पे रखना है और ये पेंसिल वाले पॉइंट को 4 तक पहुँचाना है ना। तो जीरो से 4 तक पहुँचा करके, ठीक है, क्लियर, जीरो से 4 तक ऐसे पहुँचा लेना है, मैं पहुंचा लिया 4 तक, ठीक है, ओके। अब पहुंचाने के बाद फिर क्या करना है, ऐसे इस वाले पॉइंट को बी पे रखना है, ठीक है, और इस पे ऐसे मार्क लगा देना है। तो आप जैसे ही ऐसे मार्क लगाओगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, पेंसिल से पेन सब वैसे कंपास जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे करते जाना है। अब इस पॉइंट को सी से मिला देना है, अब ऐसे ले जा करके मिला देना है, किससे मिलाओगे, स्केल उठाओगे आप ऐसे, ठीक है, स्केल उठा करके कुछ ऐसे यूं, ओके, और यहाँ से कुछ यूं ऐसे ले जा करके उसे मिला देना है, क्लियर है। तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। एंगल बी जो दिया हुआ है वो 70 डिग्री भी मेरा हो गया है, बी पे एंगल बन गया, और ए बी कितना 4 सेंटीमीटर, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, ए, क्योंकि बी सी ए ही का ए का तो कमी था, तो ए बी सी ए पॉइंट यहाँ मिला, ठीक है। और ये वाला पॉइंट कौन सा था, जब हम लोग चांद को यहाँ पर रख के नाप रहे थे ना, इसलिए वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ओके। अब जो कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ड्रॉ अ लाइन दिस, तो ये बी सी की जगह पे क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर यहाँ पे, क्लियर है। फिर आपने क्या किया, 60 डिग्री की जगह पे क्या आएगा, 70 डिग्री, ये सब लिखते जाना है, क्लियर है, सब वही चीज़। फिर उसके बाद मार्क 3 सेंटीमीटर, तो आपको क्या लिखना है, मार्क 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर मैंने मार्क किया, यहाँ 4 सेंटीमीटर लिखोगे।
वी गेट अ पॉइंट विच इज ए पॉइंट मुझे मिला, फिर ये लिखना कि जॉइंट पॉइंट ए टू सी, फिर ए से सी को मैंने मिला दिया, जो मैंने यहाँ पे लिखा है बस वही चीज़ लिखते जाना है। बस ये सब जो है ना 5 सेंटीमीटर की जगह पे 8 सेंटीमीटर, क्योंकि बी सी यहाँ 5 सेंटीमीटर है और यहाँ बी सी 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लिखोगे, ये सब कंस्ट्रक्शन वाले जो पॉइंट पे आप लिखोगे, राइट। तो ये था आपका एक्सरसाइज 7.3। और इसी में एक्सरसाइज 7.3 में पहला नंबर, दूसरा नंबर और एक और प्रॉब्लम है तीसरा नंबर। वो प्रॉब्लम कहता है कि आप अपने मन से बहुत सारा पॉइंट लो और उसको भी बना बना के आपको चेक करो कि क्या ये सच में बन रहा है, सही है, क्या हो रहा है ना, खुद से एनालिसिस करो, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक्सरसाइज 7.3 का प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2 काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा, राइट। ये कंप्लीट आपका क्या था, सॉल्यूशन हो गया इसका, राइट। तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना आप लोग, मैं हटता इसलिए हूँ, मैं थोड़ा सा बोर्ड से इसलिए थोड़ा डिस्टेंस हो जाता हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सको, राइट। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले चुके होंगे। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, जो कि पार्ट 4 होगा 7.4, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में भी कहीं भी नहीं आंसर है ऐसा, इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, राइट, लेकिन फिर भी हम लोग सीखेंगे। तो अब हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 7.4 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। तो आपने अगर कुछ सीखा है तो एक थम्स अप तो जरूर होना चाहिए, राइट। अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।